हाई गैस दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो लिपस्टिक को हम अपने लिप्स पे तो अप्लाई करते ही हैं बट आज मैं आप लोगों के साथ लिपस्टिक के कुछ ऐसे हैक शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको ना पता हो या फिर लिपस्टिक के कुछ ऐसे यूजर्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सो so, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल बटन को ह्लिक कर दो जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे एना ऑल्सो फॉरो मी ऑन इंस्टा माई हैंडल इज स्वाति मिश्रा प्रो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेस्ट ऑल दीडियो सो यह गाइज अगर आपके पास कोई ब्राउन शेड की लिपस्टिक है और आपके पास कोई कॉन्टोर पैलेट नहीं है डोंट वरी आप अपनी ब्राउन शेड की लिपस्टिक को एज अ कॉन्टोरिंग यूज कर सकते हो बहुत ही लाइट आप हल्का हल्का ब्राउन uh, शेड अप्लाई करो और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लो बहुत ही अच्छे से आप लिपस्टिक को एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ कर सकते हो अब अगर आपके पास थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड है तो आप उसको एज अ आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हो अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए यूज़ कर सकते हो तो है ना लिपस्टिक के बहुत ही कमाल कमाल के हैक्स, अभी देखते जाओ आपको बहुत सारे यूजेज लिपस्टिक के पता चलेंगे हाँ जैसा कि आप लोगों को शायद पता ही होगा मोस्टली सभी यूज़ करते हैं अगर आपके पास कोई पिंक शेड है कोई पिंक कलर की लिपस्टिक है या फिर कोई लाइट ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है तो आप उसे एज अ ब्लस यूज कर सकते हो आप चाहो तो डायरेक्ट अपने चिक्स पे अप्लाई कर लो लिपस्टिक को या फिर थोड़ा सा अपने फाउंडेशन में उसको मिक्स करके उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो ना तो बहुत ही नेचुरल लगता है ऐसे कभी कभी क्या होता है लिपस्टिक को आप डायरेक्ट जब चिक्स पे अप्लाई कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी बहुत लाइट रह जाता है और अगर आप उसको अपने फाउंडेशन में या फिर अपने बीबी क्रीम शीशी क्रीम में मिक्स करके अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छे से ग्लस अप्लाई हो जाता है एंड गैस अगर आपके पास कोई ग्लॉसी लिपस्टिक है एंड आपका ग्लॉसी लिपस्टिक लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप इंस्टेंटली ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट लिपस्टिक में चेंज कर सकते हो येस yes, बहुत ही इजीली आप अपने जो भी आपकी ग्लॉसी लिपस्टिक है उसको आप अप्लाई कर लो एंड उसके बाद आप टेलकम पाउडर या फिर लूज़ पाउडर आपके पास जो भी है जो भी पाउडर हो आप उसको अपने लिप्स पे बस पैट पैट पैड कर लो उसके बाद थोड़ा सा उसको रिमूव कर दो बहुत ही लाइटली हैंड से आप रिमूव कर सकते हो या फिर आप अपने मेकअप ब्रश से भी रिमूव कर सकते हो या फिर आप कोई भी आ, कपड़ा ले लो और उससे आप रिमूव कर दो बहुत ही लाइटली आपको रिमूव करना और इंस्टेंटली आपका ग्लॉसी लिपस्टिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैट लिपस्टिक में सबसे ज़्यादा जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मुझे ऐसा लगता है लिपस्टिक को एज अ आईलाइनर भी आप यूज़ कर सकते हैं कलर कलर के आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं जिस कलर की आपके पास लिपस्टिक हो आप उसको एज अ आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं आपको अलग से आईलाइनर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अपने लिपस्टिक से ही बहुत ही अच्छी तरीके से आप किसी ब्रश की हेल्प से आईलाइनर लगा सकते हैं को लिपस्टिक का हैक बताने वाली हूँ ना बहुत ही कमाल का हैक है आप क्या होता है कभी कभी ए, लोगों के डार्क सर्कल होते हैं या फिर अपने अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए लोग कंसीलर का यूज़ करते हैं बट कभी कभी क्या होता है कि जो डार्कनेस रहती है वो बहुत अच्छे से हाइड नहीं हो पाती है थोड़ा बहुत हमारा जो शेड है वो लाइट और डार्क में रह जाता है इस वजह से अच्छे से हाइड नहीं होती तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं आप कोई भी ऑरेंज शेड की लिपस्टिक ले लें और उसको बहुत ही हल्का हल्का अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर लें एंड ब्लेंड कर लें और उसके बाद आप उसके कंसीलर या फिर फाउंडेशन अप्लाई करें बहुत ही अच्छी फिनिश आती है और बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल हाइड हो जाते हैं आपकी जो अंडर आई एरिया जो डार्क हुई रहती है ना वो बहुत अच्छे से हाइड हो जाती है तो है ना को फुलर दिखाने का बड़ा ही फैशन है थोड़े से बिग लिप्स दिखें ऐसा लिपस्टिक लोग अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए ना बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी लिप लाइनर हो उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउटलाइन करें जो आप आउटलाइन कर रहे हो उसको लिप्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब आप आउटलाइन करते हैं और उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ही परफेक्टली आपकी लिपस्टिक भी अप्लाई होगी साथ ही साथ आपके लिप्स जो है बहुत ही फुलर दिखेंगे बिग दिखेंगे और आप काफ़ी अच्छे दिखेंगे केस आपके के पास कोई लिपलाइनर नहीं है या फिर जो शेड आप चाहते हो उस शेड का लिपलाइनर नहीं है लेकिन आपके पास उस शेड की लिपस्टिक ज़रूर है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से आउटलाइन कर सकते हैं अपनी लिपस्टिक से ही आपको क्यूटिप ले लेनी है और उसकी हेल्प से आप आउटलाइन करिए बहुत ही परफेक्टली आउटलाइन हो जाएगी और आपके पास अगर उस टाइम पर नहीं है लाइनर तो आपका लिपस्टिक से ही काम चल जाएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लिपस्टिक का हैक ये है कि जब भी आप मैट लिपस्टिक अप्लाई करें लिक्विड मैट लिपस्टिक जब भी अप्लाई करें तो आपने लिप्स को मिक्स ना करें क्या होता है जब आप मिक्स करते हैं तो लाइनिंग बन जाती है और आपके लिप्स एंड आपके लिपस्टिक जो है वो स्मूद नहीं दिखती और बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती है तो इसलिए कभी भी आप लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद उसको मिक्स ना करें बस आप परफेक्टली लिपस्टिक को अप्लाई करें मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है अब जो मैं आपको हैक बताने वाली हूँ ना शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या होता है अगर आपके पास बहुत सारी लिपस्टिक है तो आ, कुछ कुछ लिपस्टिक जो है ड्राई हो जाती है अब जब ड्राई हो जाती है तब तो हमारा उसको लगाने का बड़ा मन करता है तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं उस लिपस्टिक में थोड़े से कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल के डाल सकते हैं उसके बाद उसको शेक कर ले उसके बाद आप अप्लाई करें बहुत ही आराम से आपका जो लिपस्टिक जो ड्राई हुआ है ना वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि बार बार जिनको लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद होती है बहुत बहुत ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई करते हैं क्या होता है उनके लिप्स जो है वो डार्क हो जाते हैं अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं अब लिपस्टिक लगाना तो छोड़ नहीं देंगे भाई जिनकी फेवरेट है वो लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है आप अपने लिप्स पे थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर लें उसको ब्लेंड कर लें एंड उसके बाद लिपस्टिक को अप्लाई करें इससे क्या होगा आपके लिप्स जो है वो लिपस्टिक के स्टेन से बच जाएंगे और आपके लिप्स जो है डार्क होंगे भी नहीं लिपस्टिक को एज अ आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कोई भी लिक्विड लिपस्टिक हो या फिर बुलेट लिपस्टिक को भी आप एज अ आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है और आपको कोई आई शेडो भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई जो है मोनोक्रोमेटिक लुक करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो उसी शेड की लिपस्टिक एंड उसी आप आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं अच्छा ग्लॉसी लिपस्टिक को मैंने मैट लिपस्टिक में कन्वर्ट करना तो बता दिया बट अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है ग्लॉसी लिपस्टिक अप्लाई करने का या फिर थोड़ा ग्लैमरस लुक चाहते हैं उस तरह से आपको थोड़े से ग्लॉसी लिपस्टिक चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ है आप क्या कर सकते हैं अपने लिपस्टिक पे ही कोई भी शिमर्स आई अप्लाई कर सकते हैं इससे आपकी लिपस्टिक जो है बहुत ही अलग टाइप की दिखेगी एंड ग्लॉसी भी दिखेगी और आप ऐसा स्पेशल लुक पा सकते हैं लिपस्टिक एंड लिप्स की बात हो ही रही है तो क्यों ना थोड़ा सा लिप केयर पे भी ध्यान दे ही देते हैं यानी कि आप स्क्रब कर सकते हैं बहुत ही सिंपली अपने लिप्स का आप शुगर उसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा वैसलिन एंड दोनों को मिक्स करके आप उसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आप जेंटली अप्लाई करिए एंड आपके लिप्स काफ़ी स्मूद रहते हैं इससे लिपस्टिक के इतने सारे हैक्स बता दिए अब लिपस्टिक को लास्टली हम रिमूव करना भी ज़रूर बता के जाएंगे यानी कि आप लिपस्टिक को बहुत ही ईजिली रिमूव भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा वाटर लिपस्टिक है जो रिमूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है तो आप उसको रिमूव करने के लिए वैसलिन का यूज़ कर सकते हैं वैसलिन आप अप्लाई करिए बहुत ही ईजिली आपकी लिपस्टिक रिमूव हो जाएगी सो यार दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड कॉमेंट करके जरूर बताना इसमें से आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर